त्योहारों के मौके पर मोबाइल और चेन स्नैचिंग के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस की टीमें जुट गई हैं और 3 घंटे के अंतराल में 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस और बदमाशों के बीच पहली मुठभेड़ थाना 58 में हुई और दूसरी थाना 39 में हुई, जहां क्षेत्र में बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही है। उसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध बदमाशों की घेराबंदी कर फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए जबकि 3 बदमाश फरार हो गए। वहीं दूसरी मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बाकी पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना 58 क्षेत्र में 5 बदमाशों से मुठभेड़ हुई पुलिस की। जैसे चौराहे के पास शाम की जो चेकिंग की जा रही, जिसमें 2 मोटरसाइकिल से 5 व्यक्ति आते दिखाई दिए, इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये भागे और छोटा डी पार्क के पास इनसे मुठभेड़ हुई, जिनमें 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इनके नाम राज और ऋतिक हैं। ये थाना 24 क्षेत्र के मोरना के रहने वाले हैं। 3 बदमाश जो दूसरी मोटरसाइकिल पे थे वो भागने में सफल हुए हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है।